हेलो व्यूवर्स, दिस इज मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज और आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन लिथुआनिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप लिथुआनिया में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं, फीस क्या होती है, मोरवर आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं मार्क्स की। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनकी अर्निंग होती है, उनमें कितनी वो सेविंग कर सकते हैं, फीस किस तरह पे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। व्यूअर्स, लिथुआनिया एक बहुत अच्छा कंट्री है, बाल्टिक रीजन में आता है, तीन बाल्टिक स्टेट है, उनमें से एक लिथुआनिया है। इसका कैपिटल विल्नियस है, इसके बॉर्डर्स में आपको लातविया और बेलारस मिलेंगे। 2.9 मिलियन की यहाँ पर आबादी है, यूरो यहाँ पर करेंसी है। और लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर लिथुआनियन बोली जाती है, इंग्लिश बोलने वाले भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ये कंट्री अपनी हिस्ट्री और पुराने आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स की वजह से काफ़ी फेमस है। पुराने कासल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पुरानी इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, ओल्ड टाउन्स आपको मिलेंगे, इस वजह से भी इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। इकॉनमी वाइज देखें तो एग्रीकल्चर में इनकी अच्छी ग्रोथ है, टेक्सटाइल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, इसके अलावा आईटी का काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर स्कोप बढ़ता जा रहा है, तो आईटी रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा कंट्री बन सकता है। एजुकेशन वाइज देखें तो बहुत अच्छा कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ जाते नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी आसान रहता है जहाँ पर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो। फीस स्ट्रक्चर को देखें तो 1500 यूरो से 3000 यूरो तक पर सेमेस्टर आपकी फीस होती है, जो कि आपके अपने कोर्स पर डिपेंड करेगी और आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा यहाँ पर साल में दो इनटेक्स होते हैं, फरवरी का भी इनटेक होता है और सेप्टेम्बर का भी होता है, बट मेजॉरली जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं वो सेप्टेम्बर के इनटेक में होती हैं। कुछ अच्छे कोर्सेज जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिनकी काफ़ी हाई क्वालिटी आप यहाँ देखने को मिलती है, उनमें MBA आ जाता है, IT रिलेटेड कोर्सेज आ जाते हैं, मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज आ जाते हैं, इसके अलावा आर्किटेक्चर का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्कोप है। रिक्वायरमेंट्स के हवाले से देखिए तो एडमिशन के लिए आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अटेस्टेड होने चाहिए, और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 50-60% मार्क्स पे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, आपके लिए ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी, ज़्यादा कोर्सेज ओपन होंगे, ये यूनिवर्सिटी और कोर्सेज पे डिपेंड कर रहा होता है। IELTS के वाले से देखिए तो यहाँ पे IELTS की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश का टेस्ट भी दे सकते हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि B2 लेवल का होता है, और यूनिवर्सिटी इंग्लिश का इंटरव्यू भी कंडक्ट कराती है, जिसमें वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि स्टूडेंट इंग्लिश बोल सकता है, समझ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। और ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा सिंपल सा होता है, इसमें आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन लिया जा रहा होता है, आपसे कोर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है, तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा एडमिशन के लिए आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, और लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहाँ पे काफ़ी हद तक आसान है। आपने इनकी गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाना है, जहाँ पर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, वहाँ से अपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाने के बाद आप अपना कोर्स देखेंगे, उसकी डेडलाइन देखेंगे, इसके अलावा आप क्राइटेरिया देखेंगे और अपने कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। स्कॉलरशिप्स को देखते चलें तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं, बट ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं। इसके अलावा आपको एरास्मस स्कॉलरशिप मिलती हैं, जिसमें आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाकर अपनी स्टडी का कुछ पार्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, ट्रेनिंगशिप कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मज़ीद एक्सपोजर देखना चाहते हैं, मज़ीद कल्चर्स में जाना पसंद करते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंट्री के लिए। इस तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखें, जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि यहाँ पे मुनासिब कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 350 यूरो से 500 यूरो तक रेंज कर रही होती है, और स्टूडेंट इजीली अपना गुजारा इसमें कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में रहते हैं, उनके खर्चे इससे भी कम हो सकते हैं। ऐसे ही जॉब्स की बात की जाए तो यहाँ पे प्रीवियसली 20 आवर्स पर वीक अलाउ थे, बट अब यहाँ पर 40 आवर्स पर वीक अलाउ किया जाता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट बहुत आसानी से अपनी फीसिस भी निकाल सकते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। पर आवर वेज के हिसाब से देखें तो 5-6 यूरोस आपको यहाँ पर आवर वेज मिल रही होती है स्किलफुल जॉब करेंगे, और अगर आप डिलीवरी जॉब्स की बात करें तो उसमें अर्निंग काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जॉब फाइंड करने की बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं, और काफ़ी एजेंसीज भी मिल जाती हैं जो स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड कर रही होती हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपको एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो तो मैंने डिस्कस कर लिए, बट अब आपको जो TRP के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है मैं उन पर बात करता हूँ। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर वीज़ा अप्लाई आपको नहीं करना पड़ता, आप TRP अप्लाई करते हैं और उसकी बेस पर ही ट्रैवल करते हैं। अर्लियर इस तरह होता था कि आपको वीज़ा फाइल करना होता था, फिर उसके बाद आपने ट्रैवल करना होता था, और जब वहाँ पहुँच जाते थे तब जाके आप अपनी TRP अप्लाई कर सकते थे। बट अभी इमिग्रेशन के रूल काफ़ी चेंज हो चुके हैं, और इसमें अब जो नया रूल है वो यही है कि आप डायरेक्टली TRP अप्लाई करेंगे और TRP लेकर ही ट्रैवल करेंगे। सैडली पाकिस्तान में लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है, तो उसके लिए आपको अपना प्रोसेस
दुबई जाके करवाना होगा, आज़रबैजान जाके भी आप प्रोसेस करा सकते हैं, उसके अलावा कुछ स्टूडेंट टर्की जाके भी अपना प्रोसेस करवाते हैं। आपने VFS ग्लोबल के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके सबमिट करने होते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करते हुए आपको एक मेडिएशन नंबर भी चाहिए होता है और आपका एक्सेप्टेंस लेटर भी चाहिए होता है। इसके अलावा PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। मेडिएशन नंबर और एक्सेप्टेंस लेटर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। TRP के प्रोसेस में यूनिवर्सिटी भी आपकी काफ़ी हेल्प करती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू, और इसमें काफ़ी यूनिवर्सिटी आपको गाइड करती रहती है साथ साथ। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाना होता है और आपका वहाँ इंटरव्यू भी होता है। उन डॉक्यूमेंट्स में आपका एक्सेप्टेंस लेटर, मेडिएशन नंबर, इसके अलावा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट पिक्चर, योर पास CV और आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन प्रूफ, ये सब चीज़ें रिक्वायर आपको होती हैं। लास्ट में बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर 6000 यूरो से 8000 की रिक्वायर होती है, और ये आपकी फैमिली मेंबर्स भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। 3 to 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे रिक्वायर होती है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर करा तो आप स्पॉन्सर का एफिडेविट भी यहाँ पे अटैच करेंगे। आपको आपके फैमिली मेंबर्स स्पॉन्सर कर सकते हैं जिनमें आपके फादर आते हैं, आपकी मदर आती हैं, आपके सिस्टर और आपका ब्रदर आ सकता है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन लिथुआनिया पर। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी राइट इससे मिली होगी। मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है वो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा हमें डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, शुक्रिया।